गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर वर्खा गुप्ता। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। और जैसा आप जानते हैं कि अब आप लोगों के एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम्स की बात की जाए, चाहे वो आपका एनटीयूजीसी नेट एग्जाम की बात की जाए, बहुत ही नजदीक आपके एग्जाम्स आ चुके हैं। जैसे आप जानते हैं फरवरी में आपके एग्जाम होने ही हैं। सो गाइज, एक टॉपिक हमारे सामने, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कैसे हम एमसीक्यूज को इफेक्टिवली सॉल्व करें कि सारे एमसीक्यूज भी हो जाएं और समय पर सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं। तो एक छोटा सा सेशन उसी को लेकर मैं लेकर आई हूं कि जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, मतलब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उन्हें किस तरह से किया जाए कि कम समय पर ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। देखो, एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं तो आप जानते ही हैं कि एवरी क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है उसका इक्वल मार्क है आपको। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल है तो उसके मार्क्स ज्यादा होंगे। ठीक है, ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर ही है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहिए। तो जैसे देखो, आपको पता है कि आपके पास पेपर वन पेपर टू दो पेपर्स होते हैं, अगर मैं एनटीयूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करूं, या फिर आप किसी भी एग्जामिनेशन में की बात करें, वहां पर आपके एक नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो हर बार क्वेश्चन की कुछ कैटेगरीज होती है। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ आप लोगों के टफ होते हैं। ये तीन कैटेगरीज में आपके जो एमसीक्यूज होते हैं वो आते ही आते हैं। तो जो फर्स्ट वाला है, दैट द इजी वन, तो हमेशा ना एक एवरेज लेकर ये चलते हैं कि हर इंसान जो है वो क्वेश्चंस को ग्रैब करके आंसर्स निकाल सके। कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं, कुछ बिल्कुल लॉजिक बेस होते हैं कि आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया और आपका आंसर्स निकल के आपके सामने आ जाएगा। जरूरत है आपको प्रैक्टिस करने की और उस चीज को पहचानने की। तो जब भी एमसीक्यूज आप पेपर में स्टार्ट करते हो तो जरूरी है कि आप ना बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते जाइए, क्योंकि अब आपको पता है कि आप कंप्यूटराइज वाला काम कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि पेपर है तो पेपर पलट पलट के आपने देख लिया और कर लिया। तो कंप्यूटराइज सेक्शंस में एक कॉलम साइड में दिया रहता है जिसमें आपने जो जो सॉल्व किए हुए हैं उनके ऊपर आपका मार्क आ जाता है ऑलरेडी। तो बस अपना क्वेश्चन नंबर वन से आप स्टार्ट कीजिए। तो जो जो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको लगता है कि यस इसका आंसर मुझे पता है, उसको टिक करते जाइए। अननेसेसरी का टाइम खराब नहीं करना है। बस जो क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको लगा कि हाँ आपको आता है, आप उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। सेकंड डे का लगा आता है, टिक करिए, आगे बढ़िए। थर्ड डे का टफ लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझने में ही बहुत टाइम लग रहा है, तो उसको अभी स्किप कर दो, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। ऐसे करते करते अपना जो इजी कैटेगरी वाले हैं वो आपने अपने सॉल्व कर लिए। फिर आता है आपका मॉडरेट कैटेगरीज। मॉडरेट कैटेगरीज में भी आपका सेम फंडा आप यूज करेंगे। ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या फिर क्वेश्चन को पढ़कर आंसर्स को निकालने की कोशिश करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अब आती है बात टफ वाले के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो टफ वाला क्वेश्चन आता है तो उस में आपको क्या करना है, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है या जो टफ वाले क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व करना है। तो उनके लिए जैसे जब भी आपको प्रैक्टिस सेशन होता है, हम आपको बताते हैं एलिमिनेशन मेथड या फिर सिलेक्टिव मेथड को आप यूज कीजिए। जो चार ऑप्शन है उन ऑप्शंस में से, या फिर आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आते हैं जिनमें आपको बताना है कि कौन कौन सा इसके अंदर आ सकता है, तो उसमें सिलेक्टिव मेथड की जो ये आना ही आना है, पक्का है, वो वाला जो फंडा है उसको यूज कीजिए, या फिर एलिमिनेशन मेथड की ये पॉइंट तो इसमें हो ही नहीं सकता है, उसको चूज करके आप अपने आंसर्स को इजिली निकाल सकते हैं, वो भी बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड में। ठीक है, तो जिसके लिए मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज सेशंस लिए हुए, उनकी प्रैक्टिस कराई हुई है, उनको देखिए, उनको गो थ्रू कीजिए, वो आपकी प्रैक्टिस में हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो ये एक फंडा आपको यूज करना है। और हमेशा ध्यान रखिए, फोकस रखिए कि जो चीज नहीं आ रही है उसको बिल्कुल अलग ही कर दो, कि भाई ऑप्शन ए बी सी में ये तो हो ही नहीं सकता है, तो उसको बिल्कुल अलग कर दो, जिससे कि हमारा कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर आती है बात कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो उसको पढ़ के उसको समझिए और समझने के बाद उसको सॉल्व कीजिए। अब एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं वो ये है कि किसी भी क्वेश्चंस का जो आपने टाइम डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, कि जितने आपके क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने टाइम डिसाइड किया हुआ है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट मुझे देना है, तो उस 1 मिनट से ज्यादा आपको उसमें समय देना ही नहीं है। इनकेस अगर आपका इजी वाले क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपका कम समय लगा है और आपके पास समय बच गया है, तब आप उसके लिए 1.5 मिनट का टाइम दे सकते हैं पर क्वेश्चंस के ऊपर, जो टफ वाले हैं उनके लिए। ठीक है, जैसे कि डीआई के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जब आप लोग अकाउंट के या फिर फाइनेंस के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो। बाकी आपको उस पर अटक के नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि मार्क्स आपको उसमें भी 2 ही मिलने हैं और इजी वाले में भी 2 ही मिलने हैं। तो कई बच्चे क्या कर जाते हैं ना, टफ पे अटक जाते हैं, 10-10, 15-15 मिनट वो लोग एक क्वेश्चन को लगा देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ तुक्का लगाकर आते हैं, बल्कि वो आपका बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ सही हो सकता था अगर आप यहां पर समय कम देते तो।
ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको अटकना नहीं है उसके साथ, इमोशनली अटैच नहीं होना है उस क्वेश्चन के साथ में, बस आगे बढ़ते जाइए और अपने आप को जो आगे के क्वेश्चन है उसके लिए प्रिपेयर करते जाइए। ठीक है, तो ये फंडे कुछ हैं जिनको आप यूज करके अपने एमसीक्यूज को इजीली कम समय में बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और बस इसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको करते ही जाना है। अब जैसे आपको पता ही कि आपके एग्जाम जो है वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, बहुत पास ही आपके एग्जाम आ चुके हैं, तो आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जब आप अपने प्रैक्टिस सेशन करते हो तो प्रैक्टिस सेशन को भी इसी तरह से सॉल्व कीजिए, जिससे कि मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो ना तो बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल सेट हो जाए कि मुझे अटकना नहीं है, मुझे बस आगे बढ़ते जाना है, तो वो सारी चीजें आप इजिली उसको ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये था एक छोटा सा सेशंस कि कैसे आप अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ टॉपिक हमने कवर किए हुए हैं चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। मैनेजमेंट का पूरा कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा NTUGC नेट का, या फिर जो बच्चे सेमेस्टर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी सारी चीजें अवेलेबल है। चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज देखिए, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कीजिए जिससे आपको PDF भी अवेलेबल है बहुत सारे टॉपिक्स के, तो वो सब कुछ आपके लिए ही है, तो उनको जरूर गो थ्रू कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे कुछ नया लेकर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।